मैं क्यों ही आया शिमला में, तो कोरा ही कोरा। ओ खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना। उई माँ इतनी ठंड ये शिमला में, मैं क्यों ही आया शिमला में, तो कोरा ही कोरा है चारों तरफ। आई माँ माता जी, हे गाइस स्वागत है आपका मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, खूब कर तो सब बढ़िया होंगे, मजे करोगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। और फिलहाल गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि हम आए थे अपनी एक लिटिल ट्रिप में माउंट चिली यार्ड। और माउंट चिली यार्ड में अपन चिल तो करने आ गए, पर यहाँ के नजारे के बारे में किसी को नहीं पता था। मैं तो अपनी भाई ये लेके आ गया था हुड्डी बुड्डी, ये भूतनी का देखो मोटे के मोटे चर्बी है भाई, इसे तो कहाँ ही ठंड लग रही है। और खान चाचा जी कह रहे भाई मेरा खून गर्म है, मैं कहा ठीक है भाई अंकल जी, मेरे को तो लग रहा अंकल जी छुट्टे लगा गर्म हो रहे। और ये देखो गाइस, ये देख रहे हो पानी गर्म हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि अब देखो यार सुबह प्रोसीजर करना होता है और यहाँ पानी गर्म तो करना जरूरी है ना भाई, इसीलिए हमने बर्फ ली उसे पिघलाना चालू कर दिया। जब तो वो पानी में कन्वर्ट होगा और वो प्रोसीजर कर लूं मैं फटाफट, नहीं तो मेरे पेट में गुड़ 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 सी हो रही है अजीब सी। आई 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 देखा, ओ वेट अ सेकंड, यहाँ कुछ तो है। तो चलो जो भी है हमें उससे क्या लेना देना। देखो गाइस मैं एक चीज बता दूं, रात को बहुत ज्यादा जाता था, अब मैं इस वाले में सोया था, अंकल जी इस वाले में सोए थे। और सुबह उठ के हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये लो आप भी देख लो भाई, यहाँ चारों तरफ कोरा ही कोरा हो चुका है, ना बंदा ना बंदे की जात, हाँ हम ही है ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप उई माँ पैर फिसल गया रे, अरे देवा रे देवा। तो ये सीन हो रहा है गाइस यहाँ पे, चारों तरफ कोरा ही कोरा। और थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे, ये हमारे कुछ प्लानिंग है, लिटिल लिटिल डांस डूंस कर लेंगे, यही अपन लिटिल लिटिल तो फन करेंगे ना यार जब ट्रिप पे आए हैं, तो यही अपना कुछ होने वाला है। अब देखो सबको हल्का होने का है, सबके लिए पानी गर्म होने का है, तो ये सीन। और देखो आप भी देख लो सामने की पहाड़ का नहीं दिखेगा आपको कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं, इस हिसाब से माहौल हो गया गाइस यहाँ पे बड़ा भयंकर, यही दिक्कत है। पर चलो कोई नहीं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। नो 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 नो। ओ खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना। ओ मैं क्या किथे है, पिंडी मासी दे गई जी, की कर दी जी बोली पाबी ना भाई जी। तो फिलहाल गाइस आप देख सकते हो हम है शिमला के पहाड़ियों में। देखो शिमला के पहाड़ियों में गाइस हम पूरे फुल एंजॉय कर रहे हैं, ये देख सकते हो। ये रहा मैं, मेरे प्यारे अंकल और मेरा प्यारा मोटा, और हम आए अपनी प्यारी स्विफ्ट में, जिसको हमने रिसेंटली ही मॉडिफाइड करवाया स्पोर्ट्स लुक में, क्योंकि स्पोर्ट्स किट इसमें हमने लगवाई है। और आसपास के नजारे आप देख ही सकते हो भाई, नेक्स्ट लेवल नजारे हो रखे गाइस आसपास के। ठंड तो हमें लग रही है, और हमारा प्लान हो चुका है गाइस यहाँ से निकलने का। आप यकीन नहीं मानोगे टाइम क्या हो चुका है, नहीं मानोगे तो मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा गाइस क्या टाइम हुआ है क्या नहीं। अब कौन ने सोचा कि यहाँ पे रुके तो लिटिल लिटिल थोड़ा डांस डूंस तो कर ही लेते हैं ठीक है। अब इसके बाद एक बार हम नीचे पहुंच जाए, नीचे का माहौल देखे क्या है क्या नहीं, और फिर हम सोचेंगे कि गाइस आगे का ट्रिप का क्या करना है। तो फाइनली गाइस हम सारे बैठ चुके हैं अपनी प्यारी स्विफ्ट में, निकल रहे हैं यहाँ से बिल्कुल। अब आगे की प्लानिंग देखेंगे, लेकिन खान चाचा जी पीछे बैठ गए। खान चाचा जी कह रहे हैं भाई साहब मैं तो लेट के जाऊँ, और मोटा साइड में बैठ गया। हालांकि यहाँ पे दिखे तो बहुत ही कम रहा है गाइस, क्योंकि विजिबिलिटी आप देख ही सकते हो क्या ही हो चुकी है स्नो के चक्कर में। चलो भाई अपनी प्यारी स्विफ्ट लेके अपन तो निकल रहे हैं नीचे की साइड। ओ भाई ये क्या था, पत्थर था, पत्थर था क्या टूट गया। अब देखो स्विफ्ट को लोड तो देखो, टायर थोड़े से स्लिप हो रहे हैं गाइस आप देख सकते हो, पर इतने भी नहीं अपन कंट्रोल कर लेंगे कैसे ना कैसे, और इतनी जगह से स्विफ्ट निकालनी है अपन। ओके होली बिल्कुल होली होली, ये लो भाई फाइनली अपन आ चुके अपने ट्रैक में। और खान चाचा जी ने बोला बिल्कुल आराम से गाड़ी चलानी है, काफी लोगों ने कहा था कि भाई इसके टायर चेंज कर दो। अब टायर्स के बारे में हम सोचेंगे, देखो अब देखो टायर कैसे स्लिप हो रहे हैं आप खुद ही देख लो भाई, ये बड़े भयंकर तरीके से स्लिप हो रहे हैं देख रहे हो ये, और आवाज भी कर रहे ची 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 ची। अब ये क्यों कर रहे हैं ये हम कुछ नहीं कह सकते, पर एक चीज बढ़िया हुई हमारी गाड़ी गाइस बिल्कुल आराम से स्टार्ट हो गई, सुबह स्टार्ट होने में इसने कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई। देख रहे हो कितनी आराम से हम अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं। अब चढ़ाई में हमारी प्यारी स्विफ्ट शिमला में इतनी मस्त चल रही है ना, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है हमारी स्विफ्ट। ओ माई गॉड, अब बर्फ वगैरह इसमें दोबारा लग गई है ठीक है। और टाइम की मैं बात कर रहा था ना, ये लो भाई 12 बज चुके दिन के, और दिन में ऐसा ही हाल है। अंकल जी कह रहे वैसे नीचे तो नॉर्मल हो चुका है, अब नीचे का तो हमें क्या ही पता क्योंकि हम तो ऊपर है ना गुरु, और बिल्कुल आराम से प्यार से उतर रहे हैं क्योंकि अंकल ने कहा कोई जल्दबाजी नहीं करनी, होली होली। और ये देखो भाई कुछ दिख रहा हो तो बता दो भाई, कुछ नहीं दिख रहा रे, सब कुछ हम अंदाजे से जा रहे हैं बिल्कुल। ओ माय गॉड, धीरे धीरे
होली होली गिद्धे विच नच पत्तलो। देख सकते हो गाइस कितनी धीरे से जा रहे हैं, क्योंकि देखो हम एकदम से ब्रेक नहीं मार सकते, एकदम से ब्रेक मारेंगे गाड़ी घिसती हुई जाएगी और वो हम चाहते नहीं, इसीलिए गाइस हम बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हैं। ज्यादा स्पीड दे देंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी गाड़ी। बाकी स्विफ्ट तो भाई तगड़ी चल रही है अपनी, शिमला में इतना तगड़ा माहौल, अरे रे शिमला जैसे ही लग रहा है इसलिए मैं शिमला बोल रहा हूँ। देखना शिमला में कितनी मस्त चल रही है अपनी स्विफ्ट। ओ ये भाई साहब इतनी कैडी लग रही है अपनी स्विफ्ट तो सही में। टी नी 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 टी नी 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 नी। ओ ये ओ ब्यूटीफुल बिलो नखरा तेरा पेट गिलो। ओहो चढ़ाई आ गई, चढ़ाई आ गई। नहीं भाई लोड ले रही है अब स्विफ्ट, इतनी सी चढ़ाई में आप देख सकते हो गाइस टायर कैसे स्लिप हो रहे हैं इसके। चल 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 अरे चल जाएगी, अरे चल 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 अरे रे 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 रे। थोड़ी सी दिक्कत हुई पर निकल गए, यही दिक्कत है गाइस थोड़ा सा कंट्रोल में लाने में ना। देखो संकट तो होता है पर आराम से करोगे तो ठीक है। बाकी क्या प्यारी लुक आ रही है हमारी स्विफ्ट की गाइस, आप देख ही सकते हो। मेरे को तो नेक्स्ट लेवल लग रही है भाई, आपको कैसी लग रही है? देखना कितनी प्यारी लग रही है अपनी स्विफ्ट। ओ ये चलो कोई आराम। अरे भाई यहाँ तो और ज्यादा धुंध पड़ी हुई है, यहाँ से कैसे निकालने। अरे यार ये देखना भाई धुंध ही धुंध है, कुछ दिख तो है नहीं रहा। अरे रे 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 टी नी 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 होली होली बिल्कुल। अरे अरे टायर स्लिप हो गए, टायर स्लिप हो गए, टायर स्लिप हो गए गाइस आप देख सकते हो। मैंने ब्रेक मार रखे हैं, चलो रुक गए रुक गए रुक गए रुक गए रुक गए रुक गए। यही तो दिक्कत है, अगर मैं खड़े ब्रेक मार दूं ना तो गाड़ी बहुत भयंकर तरीके से स्लिप होगी गाइस। ये देख रहे हो मैंने पूरे ब्रेक मार रखे पर गाड़ी आप देख सकते हो गाइस कैसे स्लिप हो रही है, यही दिक्कत है। अरे स्लिप हो रही है, स्लिप हो रही है। अरे बाप रे कौन से रोड से जाऊँ, मेरे ख्याल से तो यही रोड सही लग रहा है गाइस। ठीक है इससे चलते हैं और देखते हैं कि क्या नज़ारे क्या नहीं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही नहीं चाहिए, वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना तो ऐसी तैसी हो जानी अपनी। ठीक है तो ये सीन है भाई, मैं गलत गलत आ गया मेरे ख्याल से। मैं हमें इसी रोड से जाना चाहिए गाइस, पीछे करनी पड़ेगी गाड़ी और पीछे पता नहीं चढ़ पाएगी या नहीं। देख मेरे ख्याल से झाड़ी की मदद से चढ़ तो जाएगी, चढ़ रही है आरपीएम बहुत कर रही है गाइस गाड़ी, पर चढ़गी 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 चढ़गी। यही तो दिक्कत है भैया, रास्ते ही नहीं दिखते। ये देख रहे हो भाई अब ये वाला रास्ता लिया मैंने, मैं पहले ये ले लेता तो हमारे लिए ठीक था, पर चलो कोई नहीं भाई। ये देखो ये दिक्कत है, अबे बोले तेरी रास्ते का कुछ भी पता नहीं चल रहा है गाइस कि कहां से ले कहां से नहीं। अब मैं गलत चले गया तो नीचे खाई थी, ये देख रहे हो। अरे रे रे क्या रे बड़े बेकार रास्ते, इधर तो मैं गलत आ गया। बच गई भाई, अरे तेरी पत्थर पे टच हो गई। अरे नहीं ये तो सही में भाई बहुत डेंजरस रास्ता है, सच तो जिससे हम आए थे वही ठीक था। मैं ब्रेक मार रहा हूँ पर गाड़ी नहीं रुक रही, पर अंकल जी ने कहा बिना ब्रेक के संभाल ले तू बस, यही तो संकट है भाई। और अंकल जी कह रहे तेरी टेस्टिंग भी हो जाएगी इस किस्म और गाड़ी की भी कि कैसे ये परफॉर्मेंस कर रही है, तो इसीलिए अपन को एक चीज़ें ना देखते देखते जाना है गाइस। बिल्कुल होली 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 ओ। ये देखो पूरे ब्रेक दबा रखे मैंने, पर ये गाड़ी देखो अपने हिसाब से जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को लग रहा है कि मैं इतने पीछे से लेके आ चुका हूँ तो मैं आगे भी आराम से कर लूंगा। मैं क्या कर, हर मैदान फतेह रे मुनिया, हर मैदान फतेह। अब दिया मैंने रेस, जब से गाइस जब से रेस ही नहीं दे रहा था, मैं न्यूट्रली आ रही थी हमारी गाड़ी, तेल हमारा कुछ लगा नहीं पर डर तो हमें बहुत लगा। अरे 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 तेरी भैंस की इतनी भयंकर जंप मारी, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो चुका है गाइस, मैं आपको बता दूं जब से हमने किट लगवाई उसके बाद, तो ये माहौल हो रहा है कठिन है, थोड़ा तो कठिन है पर कोई नहीं हम अरेंज कर लेंगे कैसे ना कैसे। तो ये दिक्कत होगी गाइस, ये पहाड़ वाला रास्ता ना, ये देखो होगी इतना भी कांड, यहाँ से तो गाड़ी निकालनी नहीं। अरे ये तो स्लिप हो रही है, स्लिप क्यों हो रही है, नहीं नहीं पलट नहीं है बिल्कुल आराम से ऐसे निकल जाए ना तो भी दिक्कत है। तो नहीं 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 निकल गए निकल गए निकल गए भाई, मैं तो सोचा हो गया कांड भाई। ये तो बहुत भयंकर रास्ते है गाइस, आप देख सकते हो ये भयंकर रास्ते हैं, यहाँ तो भैया मौत का खेल चल रहा है, मौत का खेल। अब देखते हैं नीचे जाते जाते कितना रोड क्लियर होता है, मिलते हैं फिर आपसे। तो गाइस काफी हद तक हम गाड़ी नीचे लेके आ चुके हैं, पीछे की साइड से सारी स्नो जो ऊपर ऊपर स्नो थी वो हट चुकी है, नीचे कोई भी स्नो नहीं है बस नीचे धुंध है। ठीक है और नीचे के नजारे हम मुझे दिख तो रहे हैं, लेट्स सी अब क्या सीन होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि रास्तों का ना अभी भी कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि स्नो के चक्कर में सब कुछ आड़ा टेढ़ा माहौल हो रखा है, कहाँ से जाए कहाँ से नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, सो मच कंफ्यूजिंग। मैं तो चाहता हूँ अंकल जी एक मिनट गाड़ी रोक के फोटो खींच लेते ना, ये फोटो खींचनी तो बनती है, आ जाओ। अब इतना ज्यादा नहीं है भाई, ऊपर की साइड तो स्नो हो रखी है पर यहाँ स्नो नहीं है, क्या माहौल है।
तुम्हारी फोटो खींचूंगा कतई नहीं भाई साहब। गाड़ी भी कतई परफॉर्मेंस अच्छा करे गाड़ी ने, मैं आप लोगों को बता दूं गाइस। अभी निकलेंगे यहाँ पे, इनकी थोड़ी थोड़ी लेटर लेटर फोटो खींच लूं ताकि ये भी खुश हो जाए। चलो चलो चलो, बहुत फोटो खींच ली। तो गाइस खान चाचा जी ने फोटो खींचा ली, कह रहे भाई अपने फोटो फ्रेम लगाऊंगा। चलो भाई, अरे मोटर है क्या हमारा? मोटर बोलेगा ठंड में छोड़ दिया मुझे। तो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं, अपन ने फोटो वगैरह खींचा लिए और ये देख सकते हो अब रास्ता क्लियर है, तो अपन आराम से गाड़ी चला सकते हैं। अब अपन को पता सामने क्या है क्या नहीं, पर मेरे ख्याल से मैंने दोबारा रास्ता गलत ले लिया। अपन को ये वाला रास्ता लेना है और ये देख सकते हो, अरे कहाँ चढ़ाई चढ़ रहा है ए चाचा। सुनो 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 सुनो, अरे आंटी जी मेरी बात सुनो, ऊपर काफी ज्यादा स्नो है, मेरी गाड़ी में भी देखो स्नो लगी हुई है, ऊपर मत जाओ खाम खजाड़े में मरोगी। चलो कोई नहीं गाइस, हमें हमारा काम तो बोलने का था, जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना वो ना जाए। पर अपन अपनी गाड़ी लेके तो नीचे आ ही चुके हैं। फाइनली एक दिन का ट्रिप अपना अच्छा रहा और अब आगे के ट्रिप के लिए हम तो बिल्कुल रेडी है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये अरे देखते बड़ी बड़ी, अरे अरे नीचे तो अलग ही क्राइम चल रहा है, ये क्या सीन है? पर चलो कोई दिक्कत नहीं। ओहो भाई भाई भाई, पुलिस वालों का सीन देखना चाहता हूँ मैं, चल क्या रहा है गाइस। ओके ओहो, पुलिस वालों पे गोली चलाएगा, चलवाओ पुलिस वाले पे गोली। देख सकते हो गाइस मैंने मदद कर दी पुलिस वालों की। ये पुरानी टाइप की जीप कौन लेके आया? अरे रे 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 रे, मेरे को लग रहा है आर्मी। ओहो भाई यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है, मैं तो निकल रहा हूँ गाइस यहाँ से। अरे शिफ्ट लेकर भग जा मैं कट्टू। नो 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 नो, ओए तो हम जा रहे हैं गाइस खान चाचा जी के एरिया में, अब वहीं रुकेंगे। अब यहाँ का माहौल तो आपने देख लिया भाई, ऊपर यहाँ स्नो पड़ी हुई, यहाँ भी स्नो वाला माहौल हो रहा है, देखो धुंध पड़ी हुई है यहाँ मेन तो। और आरपीएम देख रहे हो कहाँ 8 पे ले गया मैं। टू यही सीन है, बाकी गाड़ी चलाने में तो भाई नेक्स्ट लेवल का मजा आ रहा है। हमारी स्विफ्ट फाइनली नीचे आ चुकी है, अब ये भी सोच रही होगी कि अब आ रहा मजा, तो नहीं तो जब से ऐसी तैसी हो रखी थी गाइस इसकी भी। अब जाके ये खुले रोड पे चलने के बाद इसको अलग ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि जब से तो 20, 30, 10, 5 ऐसी स्पीड में चल रही थी, और अब तो मुझे भी मजा आ रहा है गाइस इसे भगाने में, आप देख रहे हो। यही तो सीन है, और क्या ही चाहिए जब अपनी प्यारी स्विफ्ट इतने बढ़िया तरीके से निकले। अब देखो बाकी देखते खान चाचा जी के घर पे रुक जाए क्या आज? अरे नहीं यार, अपन को घर भी तो जाना है आगे की, कब तक सूटकेस वगैरह अपन को रखने पड़ेंगे ना गाइस। ये तो लिटिल लिटिल ट्रिप थी, असली ट्रिप तो अब होएगी हमारी। चलो अब देखो काफी लोग कह रहे गोवा चले जाओ, अरे गोवा वाले बीच में हम क्या करेंगे, अभी हम ठंड से आए, बाकी सही सही है वैसे प्लान तो, गोवा में भी अपन कॉमेडी तो कर सके। भाई अपनी स्विफ्ट ने लगा दी भयंकर जंप, ये कॉमेडी कॉमेडी में जंप तो मैंने लगा दी, गाड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी नहीं तैसी तैसी गई, बच गई भाई, सही टाइम पर रोक दी मैंने गाड़ी। देख रहे हो गाइस ये देख रहे हो, अरे हमारी गाड़ी बड़ी है गाड़ी है ये, लेट्स गो स्विफ्ट जलवा दिखा, ये देख रहे हो जलवा, अरे ऐसी थोड़ी स्विफ्ट सही स्विफ्ट हमारी। आप देखो गाइस हमारी गाड़ी परफॉर्मेंस देख लिया हमने, ऑल गुड, जितने भी हमने टेस्टिंग वगैरह इसमें करनी थी वो टेस्टिंग भी हो चुकी है, अब ये बिल्कुल 100% रेडी है ट्रिप के लिए, खान चाचा जी ने भी ये कह दिया है। अब खान चाचा जी की अप्रूवल मिल गई तो और क्या ही चाहिए अपन को, तो इसलिए वी आर रेडी टू गो। हाँ जी भाई, फाइनली गाइस आ चुके हैं अपन खान चाचा जी के घर, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और बर्फ देखो अभी भी लगी पड़ी है, उतरो 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 उतरो, तो करते हैं अंदर बातचीत क्या सीन बनता है। और भाई है यहाँ इतना नहीं है तो बस मौसम ऐसा हो रहा है, तू के वेट कर रहा है ना। अरे खान चाचा जी आपके भाई को तोरे पड़ गए दोबारा बिरगी के, ऐसी मानना ऐसी नहीं मानता गाइस खान चाचा। अरे अरे खान चाचा जी कहाँ से स्पाइडरमैन बन के आए, तुझे भी चैन नहीं, तू स्पाइडरमैन बन के आया, ये सारे नोटिस क्यों हो रहे हैं, ये कहाँ से आए, मुझे तो यही समझ नहीं आया ये ऊपर कब गए, आईना जादू हो गया हमारे साथ। पर चलो कोई नहीं गाइस, ट्रिप में मजा तो आया पर हमारी गाड़ी के हालात आप देख सकते हो, गाड़ी में अभी भी बर्फ लगी हुई है और टायर्स का सीन भी आप देख सकते हो, टायर्स देख कर चेंज कराने हैं नहीं या फिर अपन क्या करेंगे गाइस, स्नो चेन ले लेंगे आगे ट्रिप के लिए, ये मेरी कुछ प्लानिंग है, जो भी होगा वो सब आप लोगों को पता चल।
बाकी गाइस आज की वीडियो के लिए इतने तक, तो होप करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा। अपन निकल जाएंगे फिलहाल यहाँ से घर पे थोड़ी देर खान चाचा जी के पास रुक के, क्योंकि अगले ट्रिप की प्लानिंग भी करनी है और काफी लोग अलग अलग जगह कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख दो कि हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। मिलता आप सबसे अगले ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, चंगा फिर अगले।